इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ टीवी न्यूज चैनल्स अति राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश का माहौल गर्म रखते हैं। कुछ अति उत्साही एंकर पर्संस वाकपटुता के नाम पर वाचालता की सारी सीमा पार कर गए हैं। न्यूज चैनल्स का प्राइम टाइम तो मानो युद्ध का मैदान बन गया हो। वाद विवाद के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेंट्स के बीच में होने वाली गाली गलौज के बीच में एंकर खुद पक्षपाती होकर जवानी तलवार चलाने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी पक्ष वाले टीवी चैनल्स ही ऐसा करते हैं, सरकार विरोधी पक्ष के भी टीवी चैनल्स अपने तर्क के पक्ष में एक्सट्रीम पर चले जाते हैं और अपने प्रोग्राम्स में चुन चुनकर सरकार विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोगों को बुलाते हैं। इन सभी न्यूज चैनल्स के कुछ एंकर्स को तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से भी ऊंचा रुतबा प्राप्त है और ऐसा कहा जाता है कि इनकी संपत्ति इनके ज्ञात आय के स्रोत से बहुत ज्यादा है। मजाल है कि इनके प्रोग्राम में भाग ले रहा कोई भी पार्टिसिपेंट इनके तर्क को ओवररूल करे। लाइव टेलीविजन पर ही अपने शब्द मान से और ऑडियो वीडियो कंट्रोल से अपने तर्क के पक्ष में विरोध करने वाले लोगों की ऐसी तैसी कर देते हैं। ये नए इलेक्ट्रॉनिक रणबांकुरे हमारे समाज के नई पीढ़ी के नए प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे बच्चे IAS IPS इंजीनियर या डॉक्टर बनने के बजाय सफल न्यूज एंकर बनने के सपने देख रहे हैं। इनका ग्लैमर और पावर प्रोजेक्शन अद्भुत है। लाइव टीवी पर जब चीजें चाहा फोन मिलाया, सवाल किया और रगड़ दिया। बड़े बड़े संतरी हो या मंत्री, सभी घबराते हैं इन एंकर्स के लाइव टीवी कॉल से। पता नहीं क्या जवाब के रूप में एक शब्द गलत निकल जाए और भरी सभा में जनता के बीच में पैजामा नीचे खींच दिया जाए। पाकिस्तान को पीटते पीटते बोर होने वाले इन टीवी चैनल्स ने पिछले 2 महीनों से चीन का केस टेकअप कर लिया है। सभी तरह की राष्ट्रवादी धुनें चरम पर हैं। जनता के पोर पोर में देशभक्ति इंजेक्ट की जा रही है। चीनी सैनिकों के मरने का फाइनल स्कोर सेटल नहीं हो पा रहा है। इधर चीन की सरकारी मीडिया भी हॉलीवुड की चुराई वीडियो को अपनी ड्रैकलिन सेना के नकली पराक्रमी वीडियो के साथ जोड़कर पेश कर रही है और दिमाग का दही कर रही है। हमारे देश के कुछ सरकार विरोधी टीवी न्यूज चैनल्स भी चीन द्वारा कथित रूप से हड़पी गई 60 से 70 किलोमीटर जमीन के क्लेम से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। राहुल बाबा और कुछ पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के लिए तो यही संपूर्ण सत्य है, मगर असल सत्य तो यह है कि इन देशी विदेशी न्यूज चैनल्स के हाड़बोंग में LAC पर घटा सत्य तो महीनों पहले शहीद हो गया है। कुछ दिनों से इन न्यूज चैनल ब्रिगेड ने भारत और नेपाल के बीच में उपजे काला पानी और लिंपियो धारा विवाद के बीच में अपनी नजरें इनायत की है। एक तो KP शर्मा ओली की सरकार ने आनन फानन में इसे राष्ट्रीयता का मुद्दा बनाकर नए नक्शे को संसद से पास कराकर भारत सरकार के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। अब इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच में बातचीत की गुंजाइश बहुत कम हो गई है। बदले में भारतीय न्यूज चैनल्स ने भी इसे अति राष्ट्रीयता का मुद्दा बना दिया है। हमारे छत्रप न्यूज एंकर्स ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया बजाय यह सोचे समझे कि भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते बहुत ही घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल के साथ हमारी धार्मिक समानता रोटी बेटी के संबंध रहे हैं। भारत का व्यवहार हमारे इस भाई समान मुल्क के साथ बहुत ही सहनशील होना चाहिए था। अगर नेपाल थोड़ी भावुकता में आ भी गया था तो हमें इसे संबंधों को नॉर्मलाइज करने का मौका देना चाहिए था। बजाय इसके हमारे हॉकिश न्यूज एंकर्स ने नेपाल को भारत के खिलाफ चीन की साजिशों में शामिल कर दिया। चीन के राजदूत का नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ घनिष्ठ संबंधों का विश्लेषण अलग अलग तरीकों से किया जाने लगा। यह व्यवहार काफी होता है किसी भी सॉवरेन देश के साथ संबंध खराब करने को। भारतीय चैनलों द्वारा नेपाल के प्रति अपरिपक्वता और अतिरंजना इससे पहले भी दिखाई गई थी। जब अप्रैल 2015 में नेपाल में भीषण भूकंप आया था, भारतीय न्यूज चैनलों ने भारत से मिलने वाली मदद का बढ़ चढ़ कर बखान किया था। नेपाल वासियों ने इसे एहसान करके गिनाने वाले भाव से देखा। भूकंप पीड़ित नेपाल वासियों से भारतीय संवाददाताओं ने भारतीय मदद के बारे में सवाल पूछे, जबकि चीनी सहायता दल चुपचाप अपना काम करता रहा। इस तरह की बेवकूफाना हरकत से इन टीवी चैनल्स ने नेपाल वासियों के मन में भारत के प्रति चिढ़ और नाराजगी भर दी। चीन चुपचाप भारत के प्रति बढ़ते रोष का फायदा उठाता रहा। मेरी नजर में नेपाल सरकार ने भारतीय न्यूज चैनल्स को नेपाल में बंद कर बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाया है। इससे भारत के संबंध नेपाल के साथ पाताल में जाने से बचेंगे, क्योंकि हमारे शक्तिमान सरीखे न्यूज एंकर्स नेपाल के खिलाफ जिंगोइस्टिक कैंपेन चलाने से बाज नहीं आएंगे। अब थोड़ी बात नेपाल के व्यवहार की भी करते हैं। मुझे नेपाली समझ में नहीं आती है और मुझे नेपाली चैनल देखने का इत्तेफाक भी प्राप्त नहीं हुआ है, पर सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पर ज्यादातर नेपालियों के भारत के प्रति कमेंट्स बेहद अपमानजनक और गाली गलौज से भरपूर होते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो इन्होंने अपना दुश्मन ही मान लिया है। लगभग सारे नेपालियों को ऐसा लगता है कि भारतीय सेना में अगर गोरखा रेजिमेंट ना हो तो भारत को तो कोई बचा ही नहीं सकता है। पर असल सच्चाई समझे वैसे तो पूरा भारत गोरखाओं की वीरता को सलाम करता है, पर गोरखा रेजिमेंट की स्थापना ब्रिटिशों ने ही की थी। आज़ादी के बाद ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच हुए ट्राई पैट्रियट समझौते के तहत भारत ने
गोरखा रेजिमेंट को बनाए रखा। अभी भारत में गोरखा के 7 रेजिमेंट्स हैं, जिनमें सैनिकों की संख्या 40,000 है, जबकि भारत में कुल रेगुलर और रिजर्व मिलिट्री की स्ट्रेंथ लगभग 29 लाख है। लद्दाख में जो सेना अभी चीनियों के आगे डटी है, उसमें गोरखा रेजिमेंट नहीं है। इन्हीं नेपाली सोशल मीडिया फैंटमों को भारत में काम कर रहे लगभग 60 लाख नेपालियों की सुध नहीं आई, जिन्हें भारत में बिना किसी भेदभाव के आदर और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। हमें कभी परवाह नहीं आई कि ये लोग किस देश के हैं, हम इन्हें अपना भाई मानते हैं। किसी भी नेपाली सोशल मीडिया वीर ने इन 60 लाख लोगों को वापस बुलाने की मांग नहीं रखी, क्योंकि जब आप करेंगे तो हम भारतीय इसका विरोध करेंगे। नेपाल वासियों से एक और अनुरोध है कि आप भारत की वाजिब सुरक्षा चिंताओं को समझें। बेल्ट एंड रोड में इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपने चीनियों के साथ चीन से काठमांडू तक सड़क और रेलवे लाइन बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। छोटे देशों को इस तरह के कर्जे में फंस कर जमीन हड़पने का धंधा चीन का पूरी तरह उजागर हो गया है। वर्तमान समय में भी चीन नेपाल की सीमा पर कुछ जमीन हड़प कर गया है। चीन के आगे नेपाल की बोलती बंद हो जाती। नेपाल से आवाज आती रहती है कि हम किसी भी देश के साथ कोई भी समझौता करने के लिए स्वतंत्र है, आखिर हम एक सॉवरेन देश है, यानी संप्रभु देश है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपके किसी दूसरे के साथ किए गए समझौते से अगर भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ती है या भारत की संप्रभुता खतरे में पड़ती है, तो भारत की प्रतिक्रिया बहुत कठोर होगी। पिछले महीने भारत के नेपाल बिहार बॉर्डर पर नेपाली सीमा प्रहरी द्वारा एक भारतीय नागरिक की हत्या कर दी गई थी। भारत ने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया, बल्कि नजरअंदाज किया। आप किसी भी चीनी नागरिक के साथ ऐसा करके दिखाएं, आपको भारत और चीन के बीच का फर्क समझ में आ जाएगा। नेपाल की केपी शर्मा ओली की सरकार पूरी तरह चीन परस्त है। यह नेपाल वासियों के मन में भारत के प्रति नफरत का जहर भर रही है। देश की संप्रभुता उस वक्त कहां जाती है जब एक विदेशी राजदूत नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल देकर गठबंधन सरकार के झगड़ों में बीच बचाव करती है। खैर, मुझे आशा है कि एक बार फिर से दोनों देशों की सजग सरकारों के बीच में मनमुटाव को दूर कर नई शुरुआत की जाएगी, नहीं तो फिर भरोसा होगा केवल बाबा पशुपतिनाथ का। जय भारत, जय नेपाल।